प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का आह्वान किया है। बिहार सरकार के निर्देशों के बावजूद गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू ढंग से शुरू नहीं हो पाई है, जिससे किसानों को औने पौने भाव में अपना अनाज बेचना पड़ रहा है। तो सर, अभी बाजार में गेहूं कितने रेट पे बिक रहा है? अभी बाजार में जो मार्केट मूल्य है 1450 से लेकर के 1500 तक के गेहूं खरीदने वाला है। कोई कोई 1500 मध्यम जो है वर्ग का जो मध्यम श्रेणी का जो गेहूँ है चार 1450 रुपये में खरीद ले जाता है। तो सर, अभी जो सरकार की तरफ से क्रय केंद्र खोलना था जिसमें 1735 रुपये सरकार ने निर्धारित किया है, तो क्या अरवल जिला में इस तरह का कोई केंद्र खुला है? मेरी जानकारी में अभी तक किसी भी पंचायत में किसी भी ब्लॉक में कोई ऐसा क्रय केंद्र नहीं खुला है और प्रशासन पूरा जो है इनएक्टिव होकर के डोरमेंट स्टेज में बैठा हुआ है। वी आर नॉट टेकिंग एब्सोल्युटली कॉग्निजेंस सो फार द परचेजिंग इज कंसर्न। निश्चय ही 200 रुपये का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो सरकार जो वेलफेयर स्टेट है उस पर से भी आस्था टूटती चली जा रही है। कहने के लिए वेलफेयर स्टेट है लेकिन एकदम ये किसानों का बहुसंख्यक जो किसान है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था, यहाँ 66% लोग किसानी करते हैं, उनकी रीढ़ टूट गई है, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, वो ऋण से दबे हुए हैं, सरकार सोई हुई है, गहरे नींद में सोई हुई है। हमारी सीधी सीधी मांगे हैं कि सरकार जो भी निर्णय लेती है यदि उस पर अमल नहीं करती है तो जनता को अपने हित अधिकार के लिए पूरा एजिटेशन बड़े पैमाने पर अपने मांगों को लिए एजिटेशन करना चाहिए और सरकार को मजबूर करे घुटने टेकने के लिए और अपने किए गए वादों पर अमल करने के लिए।